सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुधा गोस्वामी एक नई कविता के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मेरी कविता बहुत अलग है। जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण कब होता है? शायद बचपन का। सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ सपनों की एक अलग दुनिया होती है। तो आज मैंने बचपन को पिरोने का प्रयास किया है और मेरे इन शब्दों में कहीं ना कहीं आपको अपना बचपन दिखाई देगा, कहीं ना कहीं उन स्मृतियों में आप खो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। लड़कपन की दुनिया, कविता का शीर्षक है लड़कपन की दुनिया। वो बचपन की दुनिया, वो लड़कपन की दुनिया, वो बचपन की दुनिया, वो लड़कपन की दुनिया, वो छोटी सी साइकिल, वो स्कूल का रास्ता। वो बचपन की दुनिया, वो लड़कपन की दुनिया, वो छोटी सी साइकिल, वो स्कूल का रास्ता। वो बेबाक हंसी, वो बेबाक हंसी, वो मासूम दुनिया, न पैसे से मतलब न रुतबे की चाहत, न पैसे से मतलब न रुतबे की चाहत, खुशियां ही खुशियां, गम थे न दादत। वो बचपन की दुनिया, वो लड़कपन की दुनिया, वो बचपन की दुनिया, वो लड़कपन की दुनिया। दोस्तों से लड़ते थे, दोस्तों से लड़ते थे, पर अगले ही पल मिलते थे। दोस्तों से लड़ते थे पर अगले ही पल मिलते थे। खुशी का सबब, खुशी का सबब सिर्फ दो टॉफी, खुशी का सबब सिर्फ दो टॉफी, न सोने से मतलब न चांदी की चाहत। गुल्लक की खनखन, छोटे से गुल्लक की खनखन ही थी काफ़ी। वो लड़कपन की दुनिया, वो बचपन की दुनिया, वो बचपन की दुनिया, वो लड़कपन की दुनिया, वो छोटी सी साइकिल, वो स्कूल का रास्ता। शायद वो सपनों की दुनिया थी, शायद वो सपनों की दुनिया थी या सपना ही था, शायद वो सपनों की दुनिया थी या सपना ही था। पंख लगा उड़ गया बचपन, जाने क्यों बड़े हो गए हम। पंख लगा उड़ गया बचपन, जाने क्यों बड़े हो गए हम। काश लौट आए अल्हड़पन, काश लौट आए वो अल्हड़पन, वो दोस्त वो समय और वो मासूम बचपन, वो दोस्त वो समय और वो मासूम बचपन, वो बचपन की दुनिया, वो लड़कपन की दुनिया। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।